दोस्तों, ये मल्लिकार्जुन जी हैं जो कर्नाटक में बिदर जिला के रहने वाले हैं। ये कर्नाटक से देसवार हॉस्पिटल भरतपुर में अपना फ्रैक्चर का इलाज कराने करीब 20 दिन पहले आए थे। यहाँ पे इनका इलाज इलिजारो पद्धति से हुआ है। आज इनकी हॉस्पिटल से छुट्टी होने वाली है और ये छुट्टी से ठीक पहले ड्रेसिंग का वीडियो है। इनको लगभग 1 साल पहले फ्रैक्चर हुआ था। इनके बाएं पैर के घुटने के ऊपर की हड्डी फीमर बोन और घुटने के नीचे की दोनों हड्डियाँ टिबिया और फिबुला फ्रैक्चर हो गई थी। हम इन एक्सरे में देख सकते हैं, जिसका इलाज इन्होंने शुरुआत में कर्नाटक में कराया, लेकिन जब 1 साल तक इनकी हड्डी नहीं जुड़ पाई तो फिर ये अपना इलाज कराने के लिए कर्नाटक से करीब 1500 किलोमीटर दूरी पे देसवार हॉस्पिटल भरतपुर राजस्थान में 20 दिन पहले आए थे। दोस्तों, इनके व्हाट्सएप चैट से भी हम देख सकते हैं कि ये फरवरी 2024 से हम लोगों के संपर्क में हैं। इनको इस हॉस्पिटल की जानकारी यूट्यूब पे इस हॉस्पिटल की वीडियो देख के मिली थी। दोस्तों, ये फरवरी 2024 से ही हम लोगों के संपर्क में फ़ोन और व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार बने हुए थे। कितना मुड़ता है सर? और सूजन भी है सर घुटने पर, 7 महीने हो गए सर ऑपरेशन होते, सूजन भी है और स्टेट भी नहीं होता सर। इतना गैप रहता है नीचे नीचे, इतना गैप रहता है सर। इनके जून महीने में भेजे गए इनकी इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि ये अपनी कई समस्याएं बता रहे हैं। धीरे धीरे इनके फ्रैक्चर को 1 साल का समय गुजर गया, लेकिन ये सही नहीं हो पाए, तो फिर ये देसवार हॉस्पिटल भरतपुर में इलाज कराने के लिए आ गए। जब ये यहाँ पे आए थे तो इनकी एक्सरे ये थी। ये इनका हम फीमर बोन देख रहे हैं, इसमें प्लेट लगा हुआ है और हड्डी में कोई जुड़ाव नहीं था। और ये वाला एक्सरे इनका घुटने का नीचे का टीबिया और फिबुला हड्डी का है। इसमें हम देख सकते हैं टीबिया बोन में डबल प्लेट लगी हुई है। यहाँ पे इनका इलाज इलिजारो पद्धति से चल रहा है। तो आइए इनके केस को हम डिटेल में देख लेते हैं। डॉक्टर गौरव सर बता रहे हैं और पेशेंट की बात हम सुन लेते हैं। अभी हम मल्लिकार्जुन जी का वीडियो बनाने जा रहे हैं, मल्लिकार्जुन के केस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन जी कर्नाटक से हैं और हमारे यहाँ जांघ की हड्डी की बीमारी से संबंधित इलाज के लिए आए थे। इनकी फीमर की बोन में, जांघ की हड्डी में फ्रैक्चर हुए थे। तो हम मल्लिकार्जुन जी से उनके केस को डिस्कस करने जा रहे हैं। आप अपना परिचय दे दीजिए, कहाँ से हैं, क्या सर, नाम मैं कर्नाटक, मेरा नाम मल्लिकार्जुन मंजुड़े है। मैं कर्नाटक स्टेट का हूँ, बीदर डिस्ट्रिक्ट तालुका भालकी नाम का। तो आपके साथ क्या दिक्कत थी जो आप हमारे यहाँ आए थे, और वो कैसे शुरू हुई थी, कब से दिक्कत थी? सर, मेरे को करीब 11 महीना 1 साल हो रहा है अभी एक्सीडेंट होके। मेरा 3 जगह पे पैर फ्रैक्चर हो गए थे सर। ये नीचे वाला तो अच्छा लगा, लेकिन इधर जान के हड्डी में हड्डी भी नहीं जुड़ रहे थे। मेडिसिन गोलियां सब कुछ खाता था। 8 10 दिन में मैं हॉस्पिटल भी जाता था, हड्डी जुड़ जाए नहीं जुड़ा सर। और दर्द भी बहुत करता था मेरा, अभी दर्द कुछ नहीं। मल्लिकार्जुन जी का कहना है कि इनके पैर की हड्डी टिबिया में और जांघ की हड्डी फीमर में दोनों जगह इनके फ्रैक्चर हुए थे, जिसके इलाज इन्होंने करा लिए थे। जांघ की हड्डी में भी प्लेट लगी थी और फीमर की टिबिया की हड्डी में भी इनके प्लेट डली हुई थी। इनको दिक्कत रहती थी कि फीमर की हड्डी में दर्द रहता था, बहुत दर्द रहता है बहुत सर। दर्द रात रहता था, रात में नींद नहीं आता था मेरा, वजन नहीं ले पाते थे आप वजन उसका, में नहीं लगता, रात में नींद भी नहीं। रात में नींद आती। दरअसल इनके जांघ की हड्डी फीमर में कुछ गैप थे और कुछ हड्डी के किनारे इनके गले हुए थे, इन्फेक्शन वाले थे, और अंदर ही अंदर वो दर्द करते थे और वो जुड़े भी नहीं, जिससे कि गैप बने रहते थे। तो इनको हमने यही डिसीजन लिया कि भाई आपके कहीं ना कहीं बोन में इन्फेक्शन की शिकायत है और जो हड्डी के छोटे छोटे पीसेज हैं वो इन्फेक्शन की वजह से जुड़ नहीं रहे हैं और उनमें इतनी ताकत भी नहीं है कि वो जुड़ जाएँ। तो हम इसमें दोबारा से अगर बोन ग्राफ्टिंग और प्लेट करते हैं तो आपके दोबारा से इन्फेक्शन बनने की शिकायत रहेगी। और हमने इनकी जो जांच भी कराई थी, जो इनके हमने अंदर से जांच सैंपल लिया था, उसमें भी स्यूडोमोनास इनके कल्चर सेंसिटिव आया था। तो मल्लिकार्जुन के लिए यही डिसीजन लिया कि इनके इलेजारोब से इलाज करते हैं,
तो इनके जो इलाज किए उसमें ऑपरेशन के बाद हमने फ्रेम लगाया है एलेजारोव का। एलेजारोव के इस फ्रेम में हमने स्टिमुलान भी डाला है। स्टिमुलान में हमने एंटीबायोटिक मिक्स किया है, कोलिस्टिन, मीरोपिनिन, जो कि इनके सेंसिटिव भी आया था बाद में। और इसमें बोन ग्राफ्ट भी हमने इनके एक ही बार में किया ताकि इन्हें कोई दिक्कत ज़्यादा जुड़ाव से संबंधित नहीं आए। तो हमने इन्फेक्शन को समाप्त करने के लिए एंटीबायोटिक डाला है, बोन को जुड़ने के लिए ये मजबूत फिक्सेटर लेजारोव लगाया है और साथ में बोन ग्राफ्टिंग भी की है। कितने दिन हुए हैं मल्लिकार्जुन इलाज को? 15-16 दिन में टाके 15-16 दिन हो गए। टाँके कट गए आपके यहाँ पे? टाँके कट गए। कट गए। जब से ऑपरेशन हुआ है, जब से कोई इन्फेक्शन वगैरह की शिकायत नहीं नहीं, है? बिल्कुल नहीं सर। जो पैर में दिक्कत पहले थी, दर्द होता था, अब चल देते हो तो दर्द अब तो नहीं होता? नहीं, कोई दर्द कितना नहीं। वजन मैं ले लेते हो इस पैर पे? पूरा लोड लोड देता हूँ सर, कुछ पूरा दर्द लोड ले नहीं। लेते हो? पूरा लोड लेके चल लेते हाँ, हो? कभी कभी अभी स्टिक से भी चलता हूँ मैं, स्टिक ट्राई से भी किए। चल लेते हो, वजन ले लेते हो? हाँ, तो ऑपरेशन यहाँ समझ में आया आपको? समझ में आया सर। ऐसा तो नहीं है कि ऐसे लगाओ कि गलत समझ में आ रहा हो, ऑपरेशन समझ में नहीं आ रहा हो? तो नहीं सर, अच्छा है, मेरे को कोई दर्द नहीं वगैरह क्या ऐसा। ऐसा इसमें दोबारा प्लेट कर देते तो समझ में आता हो, दोबारा नहीं, कोई दूसरा हो जाता फिर। इन्फेक्शन हो जाता? कोई ऐसी बात जो हमारे अस्पताल के अनुभव के बारे में और इलाज के बारे में बताना? सर इधर का तो डॉक्टर साहब तो बहुत सबसे अच्छे है, और इधर का स्टाफ भी अच्छा है। एक बात में नई बात बुलाए तो भी वो स्टाफ जल्दी भाग जाता है, हर बार देख के जाता है, सलाइन लगने दो, टैबलेट लेने दो, सर हर बार पूछते हो। और डॉक्टर साहब भी बार बार पूछते, 3-4 बार तो दिन में पूछ के ही जाते हैं। और दूसरा डॉक्टर भाई सब पूछता नहीं सर किधर, सही और रहा। हाँ स्टाफ भी पूछता नहीं, स्टाफ एक बार लगे तो सलाइन निकालने की भी नहीं आता है। इधर स्टाफ भी अच्छे से रहने के लिए सबसे बारे, इधर कोई बेड रेस्ट बेड रेस्ट नहीं, रूम चार्ज नहीं सर, अच्छा है इधर रहने के लिए। अपनी भाषा में बताना चाहो, अपने जिले की भाषा में बताना चाहो तो बता सकते हो। कन्नड़ भाषा हाँ, नाउ बीदर डिस्ट्रिक्ट पालकेती तालूकल मतलब नसर मल्लिकार्जुन मंजुला नो वर्ष आती फ्राक्चर आगे अंदर नो टीबिया फिबुला ತೊಡೆಯಿಂದು ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಜಾಗ ಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿತ್ತು ಖರೆ, ಭಾಳ ದವಾಖಾನೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬೀದರ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರವ್ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೆವು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಚಂದ ಕಾಣಲತ್ತದ, ನಾವು ನಡ್ಲತ್ತೀನಿ ಪುಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಿಗೆ ನಡ್ಲತ್ತಂಗೆ ಬೇರೆ, ನೀವು ಭೀ ಏನು ಭೀ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ, ಭಾಳ ಚಲೋ ಅದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಭೀ ಅವ್ರ ಸ್ಟಾಫ್ ಭೀ ಚಲೋ ಅದ, ಯಾವಾಗ ಭೀ ಬರ್ರಿ, ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಕಾಲು ಮುರಿದೇ ಇರಲಿ ಚಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. दोस्तों, इनकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई है और ये घर जा रहे हैं। ये अपने घर से, अपने कर्नाटक में बीदर डिस्ट्रिक्ट के हैं, वहाँ से एक्सरे करा के हमें और डॉक्टर साहब को भेजते रहेंगे और इनको व्हाट्सएप और फ़ोन के माध्यम से भाई यहाँ से निकली डॉक्टर नहीं गौरव है, सर डॉक्टर गाइड साहब करते निकली नहीं रहेंगे है, कि इनको अभी क्या बाहर नहीं करना हो है। पाएंगे, टाइम और बता अब दो इनको ना. लगभग 3 से 4 महीने बाद हॉस्पिटल आना है। दोस्तों, अगर कोई फ्रैक्चर की समस्या से लंबे समय से परेशान हो और वो डॉक्टर गौरव सर से इलाज कराना चाहते हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9905-26400-09, 9305-26400-09।